प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मसीह में प्रिय बहन, आपको प्रार्थना करना है, जब दुख है, जब कष्ट है, जब दिक्कत है, उसी टाइम नहीं, आपको हर टाइम प्रार्थना करना है, हमेशा आपको घुटनों में प्रार्थना करना है। मेरा मसीह में बहन, जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारा साथ है, आपके साथ है। प्रिय मसीह में बहन, आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। अगर आपको ये दुनिया से जीतना है, अगर आपको जी के दिखाना है, अगर आपको अच्छा जिंदगी जीना है, आपको अच्छा गवाही, ऊंचाई गवाही सबको बताना है, तो आपको लगातार प्रार्थना करना पड़ेगा। मेरा मसीह में बहन, ये नहीं कि आप बाकी सारा विश्वासी लोग को आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उन लोग को बोल के आप आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं है। मसीह जीवन आपका जिंदगी के लिए आपको ही प्रार्थना करना है। मेरा मसीह में बहन, घुटनों में रहकर आंसू बहाकर बाइबल पढ़कर आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको दिक्कत को, आपको तकलीफ को किसी मनुष्य के साथ शेयर करेंगे तो वो लोग सुन के ऐसे ही चले जाएंगे, वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। मगर आप घुटनों में रह के बाइबल पढ़ के रो रो के मसीह में प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को आपका तकलीफ सुनाएंगे, प्रार्थना में सारा चीज रखेंगे, आप आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, आपका सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। हमारा जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा आप अपने लिए प्रार्थना मत करना सिस्टर। मेरा मसीह में बहन, आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, हमारा देश के लिए, देश का लीडर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल में मरीज के लिए, ऐसे सबके लिए आप प्रार्थना करेंगे, आपका फैमिली में सारा दुख दूर हो जाएगा। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा आपका सारा दुख दूर कर देंगे। आपसे भी कष्ट में, आपसे भी दिक्कत में, आपसे भी जरूरतमंद, आपसे भी मुसीबत में ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में, उन लोग के लिए आपको प्रार्थना करना है। मेरा मसीह में बहन, आपका आस पड़ोसी के लिए, अगर पड़ोसी में कोई बीमार है तो उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। मेरा मसीह में बहन, मसीह जिंदगी में कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, मसीही जीवन में कभी भी आपको अविश्वास नहीं होना है, प्रार्थना से आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। प्रिय मसीह में बहन, का प्रभु यीशु मसीह का ऊपर रखा हुआ विश्वास जीतना है, अविश्वास कभी नहीं आना। आपको बाइबल पढ़कर घुटनों में रहकर आप प्रार्थना करेंगे, वही प्रार्थना आपको जीत दिलाएगा, प्रार्थना ही आपको विजय दिलाएगा, प्रार्थना ही आपको ऊंचा करेगा, प्रार्थना ही आपको सबके सामने गवाही जिंदगी खड़ा करेगा, प्रार्थना ही आपको जीवन देगा। आपके मन में गलत सोच आएगा, नेगेटिव थिंकिंग आएगा, आपको तुरंत बाइबल पढ़ के घुटनों में रहकर प्रार्थना करना है। मेरा मसीह में बहन, 1 पतरस 4:7, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचित्र हो।